इनमें जीतने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। इनके मुक्के सामने वाले को संभलने का मौका नहीं देते। चुनौतियों को ये चुटकियों में धूल चटाती हैं। मिलिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की केजी कॉलेज की छात्रा उमा चौहान से। ये फुल कॉन्टैक्ट किकबॉक्सिंग की 60 किलोग्राम के अंदर की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता हैं। मैं उमा चौहान, मेरे गांव का नाम अचरित पाली है। मैं मेरे परिवार में मंझली बेटी हूँ। मेरे से बड़ी, उनका शादी हो गया है, मेरे जीजा जी का डेथ हो गया, तो उनकी बेटी है, तो उनकी जिम्मेदारी अभी मेरे ऊपर है, तो उनको पढ़ाना लिखाना सब मेरे को कराना है। मेरी छोटी बहन है, उनको भी मैं स्पोर्ट्स में डाली हूँ, मेरे को देख के वो भी मार्शल आर्ट खेलती हैं, रनिंग करती हैं, तो फिर मैं अपना पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ और उसके साथ साथ स्टडीज भी कर रही हूँ। मानसिक रूप से मजबूत और गजब की फुर्तीली, ये पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रही हैं और किक बॉक्सिंग में नाम भी कमा रही हैं। इनकी खेल प्रतिभा को निखारने और तराशने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने अपना पूरा योगदान दिया है। मैं कोई स्पोर्ट्स तो बचपन से ही पसंद था, लेकिन पापा और मम्मी के वो से ना डर से खेलने नहीं जाती थी, यहाँ से छुप छुप के खेलने जाना चालू की तो मेडल्स भी आया, तो पापा बताए इसे वो के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। फिर मैं भी गई वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले संस्था लोग के पास, तो उन लोग भी बताए मैं कुछ के बारे में, फिर ना उन लोग मेरे को सपोर्ट किए मेरे पढ़ाई में मेरे खेल कूद में, तो फिर मैं अभी उन लोग के हेल्प से भी खेलने जाती हूँ। यहाँ पर देखिए, जब चालू हुआ था ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो यहाँ पर चौक का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक किया गया, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए हर गांव में इनके लिए इस नारे के ऊपर मंच बनाया गया है। लगातार स्कूलों में इसका डिस्कशन होता है, कैसे लड़कियों का स्तर हम बढ़ा सकते हैं एजुकेशन में और बाकी भी चीज़ों में। इवन जो महिला बाल विकास विभाग है, लगातार इसमें जो बच्चे कुपोषित हैं, जो लड़कियां कुपोषित हैं, उनके लिए स्पेशली फोकस कर रहे हैं। इस योजना के सहयोग से उमा जैसी प्रतिभाशाली लड़कियां न सिर्फ अपनी पहचान बना रही हैं, नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। उमा आज सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है। तो मैं केंद्र सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस योजना के तहत हम जैसी लड़कियों को, जिन लोग को खेलने के लिए हमेशा मतलब रोका जाता था, टोका जाता था, तो ये योजना जब आई तो पढ़ाई में भी आगे जाने दिए, खेलने कूदने जाने दिए। तो मैं सभी लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि इस योजना का लाभ उठाएं और अपना करियर आगे बढ़ाएं। बेटियों को प्रोत्साहन, देश का उत्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।